వాళ్ళు. आप अगर अपनी इबादतों में वजन पैदा करते हैं तो इबादतों में वफूर पैदा ना कीजिए, कसरत पैदा ना कीजिए, क्वालिटी पैदा कीजिए, क्वालिटी अकल से आएगी जितनी आपके पास अकल होगी. अब मैं एक बात बता दूँ आपको, बहुत सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने जानवरों को भी दी हैं, इंसानों को भी दी हैं. पाँव उनके पास दी, हमारे पास उनके पाँव ज़्यादा तेज होते हैं. आँख उनके पास दी, हमारे पास दी है. चील की आँख कहाँ तक दिखाई दे. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने सिर्फ और केवल इंसानों को दी हैं, जानवरों को नहीं दी. हाथी से लेकर चूंटी तक वो क्या तीन चीज़ें हैं, जानवरों को अकल नहीं दी हो सकती, जानवरों के पास इल्म नहीं होता है, जानवरों के पास पहले आप नहीं होता. जहाँ दूसरे की रिस्पेक्ट होगी वहाँ पहले आप होगा, जहाँ खुदगर्जी होगी वहाँ पहले हम होगा. जानवरों में पहले हम है. लखनऊ का अखलाक कभी था पहले आप वाला के होगा, मैं उस ज़माने में होता और लखनऊ से 10-15 मुर्गियाँ पकड़ के ले आता यहाँ, यहाँ छोड़ता, दाना डालता, कोई मुर्गी नहीं करती पहले आप, सब दाने पर पिल पड़ती होता कहीं. इसलिए जानवरों में दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होती. ये इंसानों की खसूसियत है कि दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट. एक बार तब सवाल दें आप, वो पहले आप कल्चर वहीं होगा जहाँ एजुकेशन होगी, जहाँ तालीम होगी, जहाँ अखलाक मजबूत. लखनऊ से पहले आप कल्चर चला गया, यूरोप में आ गया, अमेरिका में आ गया. मैंने स्वीडन में उसूल ये है, ये स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं ये बहुत बुलंद है अखलाक. यूरोप में भी इनका जवाब हमने खुद देखा. 4-5 आदमी किसी पतली गली से जैसे जिसे भी मारे बातें करते हुए जा रहे हैं, पीछे से एक कार आ गई. वो कार उनके पीछे पीछे से उन्हीं की रफ्तार से चलेगी, ना उन पर चढ़ा देगी ना हार मचाएगी. जब वो खुद से मुतवज्जो होंगे कि हमारे पीछे कोई कार आ रही है और वो उसको रास्ता देंगे, तब उस कार का मालिक थैंक यू कह के आगे बढ़ेगा. ये अखलाक है, ये दूसरे की रिस्पेक्ट है. यहाँ क्या होता है, ढोलिया जैसा हर सवारी चाहती पहले हम निकल जाएँ, इसकी वजह से कोई पहले नहीं निकल पाता, सब फंस के रह जाते. बद अखलाकी फंसाएगी, अखलाक आपको आसान मंगवा. इसलिए आप लोग अपनी अक्ल को, अपने इंटेलेक्ट को मजबूत करें. कैसे मजबूत होगी, ये दो चीज़ें. मेरा वेट 6 किलो कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है. मैंने किया नहीं, खुद ही कम हो गया, पता नहीं क्या. अब अगर मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, इसके लिए दो चीज़ें मुझे करना पड़ेगी. एक तो अच्छी गज़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरे वर्जिश करना पड़ेगी. अगर अच्छी गज़ा इस्तेमाल नहीं करूँगा, खाली वर्जिश करूँगा तो टीबी हो जाएगी. मुझे टीबी हो जाएगा, हमारा प्रोटोकॉल करना है, टीबी हो जाएगी. और अगर खाली हमने वर्जिश की और पेट खाली हुआ, टीबी हो जाए वर्जिश करने से. और अगर हमने बरक्स सूरज को अख्तियार किया तो जिस्म बल्कि हो जाएगा, अकल में कोई इजाफा नहीं. इसलिए अकल में इजाफे की भी दो चीज़ें हैं. पहले है नॉलेज, पढ़िए. दूसरे है फिक्र, थिंक, गौर करना बताया. गौर करना वर्जिश है, पढ़ना रजा है. ये दो चीज़ें आप जब तक नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक आपकी अकल में इजाफा नहीं होगा. इसीलिए शायद है फिक्र सराते हैं खैर, आप इबादत को रोना रोया करते हैं. ये बात हम लोग सोच रहे हैं आपको,
मगर देखते भी तो जाइए, फिक्रो साबादत सब सना। थोड़ी देर संजीदगी से अगर तुमने किसी मसले पर फिक्र कर ली, गौर कर लिया, चिंता कर ली, तो ये 70 बरस की इबादतों से बेहतर, क्योंकि इबादत बगैर फिक्र के तुमको किसी मंजिल पर नहीं पहुँचाएगी।